मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अनु उमर आपके सामने हिंदी व्याकरण का विषय उपसर्ग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज मैं आपको उपसर्ग की परिभाषा, भेद और उदाहरणों से परिचित करवाऊंगी। उपसर्ग कहते किसे हैं? जो शब्दांश किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला दें, उत्पन्न करके एक नए शब्द का निर्माण करें, उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण, यहाँ पे मैंने आपको दो उदाहरण दिए हैं। देखिए, अप उपसर्ग है, यश जो है मूल शब्द। मूल शब्द यश से पहले अप लगा तो उसका जो नया शब्द का निर्माण हुआ वह है अपयश। देखो बेटा, ध्यान से देखिए, यश, यश मतलब यशस्वी, ख्याति, प्रसिद्धि। और अगर हमने उसके सामने अप उपसर्ग लगा दिया तो उसके अर्थ में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया कि उसका अर्थ ही बदल गया, अपयश हो गया। अपयश मतलब बदनामी। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, नी जमा डर। नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग लगने से डर मूल शब्द जिसका अर्थ होता है डर, खौफ, किसी भी चीज से डर लगना, जब इसमें नी उपसर्ग जुड़ा तो इसके अर्थ में पूर्णतः ही परिवर्तन आ गया और वह नया शब्द बन गया निडर। निडर मतलब जिसको डर से रहित, जिसको किसी भी बात का डर ना। अब आपको इन दो उदाहरणों से इस चीज से आपको जानकारी पूरी मिल गई होगी कि जो भी उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के साथ, जो शब्दांश मूल शब्द के साथ जुड़कर उसमें कुछ परिवर्तन ला दें तो वह उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द से पहले लगते हैं उपसर्ग, इसीलिए इन्हें प्रीफिक्स या उपसर्ग कहा जाता है। आप ये कहो कि इनको उपसर्ग नाम ही क्यों दिया गया है, क्योंकि यह हमेशा मूल शब्द के पहले लगते हैं, बीच में या अंत में लगकर वह उपसर्ग नहीं कहलाते। तो शब्द में पहले लगने के कारण ही इन्हें प्रीफिक्स या उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग के भी भेद होते हैं। अब मैं आज आपको संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जानकारी दूंगी। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। इनके लगने से जो शब्द बनते हैं उन्हें वह तत्सम शब्द होते हैं। हिंदी के शब्दों को तद्भव कहते हैं, संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं। तो जो संस्कृत के उपसर्ग से जो नवनिर्मित शब्द होते हैं वह तत्सम शब्द ही होते हैं और उसी को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि वे उपसर्ग हैं कौन। अब आपको एक साइड पर मैं उपसर्ग लिख के दूंगी और दूसरी साइड पे मेरी मैं आपको नए शब्द बनाकर दूंगी। तो जो स्लाइड पे आप देखेंगे बेटा वह आप अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाइए। उपसर्ग, एक साइड लिखिए उपसर्ग और दूसरी साइड देखिए लिखा है मैंने शब्द। अ उपसर्ग से नए शब्द बने अगम, अचल, अधर्म। अब है अन, अनावश्यक। आप मेरे से पूछ सकते हो कि मैम ये तो आपने अना से बना दिया। अना से नहीं है बेटा, ये अन से है। अन जमा आवश्यक, ये बन गया अनावश्यक। अनादर, अनागत। अति, अत्याचार, अत्यधिक। अधि, अधिनायक, अधिपति। को, अनु, अनु से नए शब्द बने अनुकूल, अनुशासन, अनुक्रम। अप, अप से शब्द निर्मित हुए अपमान। अब देखो बेटा, अप से पहले आपको मैंने उदाहरण में भी एक शब्द दिया था, यश के आगे अप उपसर्ग लगाया था तो अपयश बन गया। तो इसी तरह अब इसके उदाहरण देखो, मान के आगे अगर हमने अप उपसर्ग लगा दिया, मान मतलब इज्जत, रिस्पेक्ट, और इसके साथ अप उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द बना अपमान। अपशब्द, शब्द होते हैं जो हम आपस में बातचीत करते हैं, कोई भी शब्द हो। और अपशब्द, अपशब्द मतलब होते हैं किसी को बुरा बोलना। अपराध। अब अगला है अभी,
अभिमान, अभिशाप, अभियोग। अव, अवगुण, अवनति, अवकाश। आ, आ से शब्द बना आचरण, आमरण, आगमन। उत, अब यहां पर आप देखिएगा उत त के नीचे हलंत लगा है। त के नीचे हलंत लगने का अर्थ होता है कि जो इससे शब्द निर्मित होंगे उसमें त जो है वो आधा आएगा। उत्कंठा, उत्तम, उत्थान, ये आधा त इसीलिए लगा है क्योंकि त के नीचे हलंत का प्रयोग किया गया है। उप, उपक्रम, उपसचिव, उपदेश। दुर, अब यहां पे भी आप देखिए दुर में र के नीचे हलंत लगा है तो दुर्गम, दुर्जन, दुर्लभ। निर, निर्धन, निर्भय, निर्जन। परा, परा से शब्द बना पराकाष्ठा, पराधीन, पराजय। परी, परिक्रमा, परिचय। तो बेटा अब आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह उपसर्ग के जुड़ने से जो मूल शब्द हैं उनके अर्थों में बिल्कुल ही परिवर्तन आ जाता है। पर लेकिन ऐसा है कि आप परीक्षा में सिर्फ आपसे उपसर्ग से नए शब्द बनाने ही नहीं पूछे जा सकते, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। वो आप कैसे करेंगे? अगर आपको शब्द आ गया अनुकूल तो आप इसको आपने इसको विच्छेद करना है। कैसे करेंगे? अनु जमा कूल, अनुकूल। अनु जमा शासन, अनुशासन। और जो भी मूल शब्द होगा मूल शब्द का कुछ अर्थ होना चाहिए। अगर मूल शब्द का अर्थ नहीं है, आप कोई बेमतलब बेरेतुका अन से अगर मैंने आपको दे दिया तो आपने आगे लगा दिया काल, अनकाल, अनकाल कोई वर्ड नहीं है। जब तक मूल शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा तब तक वह व्याकरणिक दृष्टि से सही नहीं कहलाया जाता। इसलिए आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप उपसर्ग और मूल शब्द को पृथक करेंगे तो जो मूल शब्द है वो मतलब उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ वाला मूल शब्द नहीं होना चाहिए। आज इसी से संबंधित मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट बना के भेजूंगी जो कि आपने होमवर्क में करनी है, और अगली क्लास में मैं आपको हिंदी के उपसर्ग और अरबी और फारसी के उपसर्ग से परिचय दूंगी, परिचित करवाऊंगी। और मुझे जहां तक लगता है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर फिर भी आप लोगों को बेटा कोई भी संशय हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।